हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम देखने वाले हैं कि काइन मास्टर में कैसे एडिटिंग होता है। तो भाई लोग, हमने एक अगले वीडियो में काइन मास्टर डाउनलोड करना सीख लिया था, तो पहले ओपन करना है काइन मास्टर को। और पहले देखिए, हम लोग कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाएंगे तो हमें 16:9 में सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें एक वीडियो चाहिए, उसके लिए हम लोग मीडिया में जाएंगे और एक वीडियो ले लेंगे कोई सा भी, और हम उसको एडिटिंग कैसे करेंगे। तो पहले एडिटिंग करने के लिए आप लोग को पहले ये देखिए, एक कर्सर दिया गया है जो आपको इधर से इधर करने पर आपको आपका वीडियो दिखाएगा। मतलब लोग, आज हम सीखेंगे कि हमारे वीडियो पे सॉन्ग कैसे डालें। तो हम लोग अभी म्यूज़िक में जाएंगे और हमारा वीडियो में एक अच्छा सा सॉन्ग कैसे ऐड करें। तो हम लोग क्लिक कर लेते हैं म्यूज़िक पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ गया है म्यूज़िक में। तो हमने एक सॉन्ग ऐड कर लिया और ये सॉन्ग हमारा मतलब अभी कंटिन्यू है। तो भाई लोग, ऐसे हम लोग सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। तो भाई लोग, अभी हम लोग करेंगे वीडियो को कट। तो आप कोई भी एडिटिंग करने के लिए आपको कट करना और वीडियो को ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग सीखेंगे कि कट कैसे करते हैं। जो हमारा कर्सर दिया है वो हमें वीडियो पे क्लिक करने के बाद जहाँ से हमें कट करना है वहाँ कर्सर ले जाना है, उसके बाद ही कट करना है, नहीं तो आपको कट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग वीडियो को टच कर दिया हमने और हमारा कर्सर जो है उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए, हमारा सॉन्ग जहाँ पर मैच कर रहा है वहाँ पर क्लिक कर दिया और हमने देखिए ये स्प्लिट एट प्लेहेड में दबाया, तभी हमारा वीडियो कट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक प्लस टाइप का चिन्ह आ रहा है, तो हमारा वीडियो कट हो गया। उसके बाद अब यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, और इधर साइड में जो बटन है तो हम लोग फिर से उसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने फिर से रिसाइकल करके हमारा वीडियो कट वाला वीडियो आ गया फिर से। फिर हम उसके ऊपर कैंची के ऊपर क्लिक करेंगे और अब लगाएंगे फ्रीज वाला कट, मतलब कि ये एक फ़ोटो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप जैसे ही स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, तो आपका एक फ़ोटो बन जाएगा जो फ्रीज हो जाएगा। तो इससे भी आप इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले फिर से हमने रिसाइकल बटन दबा दिया है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई लोग। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा वीडियो पूरा हमने कट कर दिया, जितना चाहिए था हमें उतने ही रखा गया। फिर भाई हम लोग इसको शेयर पे बटन पे क्लिक करेंगे और इसे 4K में हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर दिए। तो हमारा वीडियो अभी एक्सपोर्ट हो जा रहा है, सेव हो रहा है। तो भाई सब